सही है अगर मिलता है तो, और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है, ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है। सभी नहीं मानते ना सारे रूल्स, कौन फॉलो करता है, और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है तो वो तो मानना पड़ेगा। हाँ सही है अगर मिलता है तो, और नहीं भी मिलता तो लेडीज इतनी आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है कि वो करती रहती है अपना गुजारा, हर अच्छे तरीके से जायज और अच्छे तरीके से करती है अपना गुजारा। ये पढ़ी लिखी लेडीज हैं, देखिए बस। और हाँ सरकार ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून लागू किया है, इससे कितनी फायदा मिलेगा आप लोगों को? हाँ ये वक्त पर डिपेंड करता है, कोई देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी नहीं मानते ना सारे रूल्स, कौन फॉलो करता है, और किसी को मिल जाता है तो ये अच्छी बात है। सरकार जरूर दिलवाएगी, कोर्ट की तरफ से है ये, हाँ कोर्ट की तरफ से हुक्म है, फिर तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, फिर तो पब्लिक मानेगी और देगी भी। महिला को अगर कोई 3 तलाक देता है हमारे यहाँ, तो उसका जो हर्जा खर्चा है और उसके मेहर है वो दिए जाते हैं। जी हाँ, और कुछ भी और जो उसका सामान होता है वो सब वापस किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये कानून है इस्लामी। और आप अब जो चालू करा है, कोर्ट ने भी कहा है कि हर महीने देना पड़ेगा, ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? देखिए हमें तो अभी कोर्ट का मालूम नहीं है, हम आपसे बताएं, लेकिन ये है अगर कोर्ट ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो वो तो मानना पड़ेगा सभी को, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता।